ये तीन दुश्मन आपको सच में ले डूबेंगे अगर आपको इनकी पहचान ना हुई या आपने इनको अपने अगेंस्ट काम करने दिया। मैं आज बात करने वाला हूं उन तीन दुश्मनों की जो आपके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आने देते हैं, जो आपके जीवन में कभी भी मन की शांति नहीं आने देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। किन तीन दुश्मनों की बात कर रहा हूं? तीन दुश्मनों पे भी आते हैं, लेकिन ये तीन दुश्मन आपके जीवन को प्रभावित किस तरह से करते हैं। एक दुश्मन है जो तन को प्रभावित करता है, दूसरा दुश्मन जो आपके मन को प्रभावित करता है, और तीसरा दुश्मन जो आपके धन को प्रभावित करता है। तो चलिए उल्टे क्रम से शुरू करते हैं। कौन सा ऐसा दुश्मन है जो आपके धन को प्रभावित करता है? धन के देवता कौन है? आपके कुंडली में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो चाहे नीच हो, चाहे खराब हो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा आपके लिए धनदायक रहता है? वो ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति आपके धन के फैलाव का कारक है, आपके धन की बरकत का कारक है। जीवन में धन आने के साधन कोई भी प्लेनेट बनाए, लेकिन वो धन आपके पास टिकेगा कि नहीं, वो धन आपके काम आएगा कि नहीं, वो धन आपके पास रुकेगा कि नहीं, ये सारा बृहस्पति डिसाइड करते हैं। अब बृहस्पति का कौन ऐसा दुश्मन है जो आपकी धन की कृपा को खराब कर देता है? सबसे पहले नंबर पर यह दुश्मन होता है राहु। ये राहु किस तरह से बृहस्पति को खराब करता है? ये राहु आपके कुंडली में अगर 12th हाउस में हो जाए, आपके बर्थ चार्ट में ये 8th हाउस में हो जाए, या कई बार ये कुंडली में 9वें घर में भी हो जाए, तो ये अब आपके बृहस्पति की ताकत को बहुत बुरी तरह से खत्म कर देता है। सूरज और राहु का ग्रहण दोष जब होगा तो भी ये बृहस्पति को हिट करेगा और आपके धन योग को खराब करेगा। ऐसे केसेस में क्या होता है, आप लाख कोशिश कर लो, ढंग से धन कमा ही नहीं पाओगे, एक ही सैचुरेटेड लेवल पे लाइफ चलती रहेगी, या काम बदलते रहेंगे, काम छूटते रहेंगे। कई बार अगर आपको किस्मत का साथ भी मिल जाए, काम अच्छा भी हो जाए, चार लोग आपको जानना भी शुरू हो जाए, भाई वो आपके बैंक की स्टेटमेंट में नहीं दिखता है, आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। पोजीशन जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, या तो इंसान कर्जाई रहता है, या धन के मामले में एक बहुत औसत बड़े एवरेज स्किल तक रहता है। तो ये राहु जो है, इसको सही कैसे किया जाए? इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो अपने बृहस्पति को पावरफुल करना है। बृहस्पति को पावरफुल करने के तीन तरीके। सबसे पहला तरीका कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की केयर करके अपने घर के रिचुअल्स का पालन करना है बृहस्पति को। दूसरा तरीका है अपने इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी निरंतर आराधना प्रार्थना करते रहिए। आराधना प्रार्थना पे मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि क्या तरीका सही होता है और कौन से तरीके से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुँचती है। खैर, आपको पूजा पाठ में भी एक लिमिटेड लेवल तक मग्न रहना है, जुड़े रहना है डिवाइन से। ये आपके बृहस्पति को सही करता है। और तीसरा, आपके घर को वेंटिलेटेड रखना चाहिए। घर के अंदर हवा का आदान प्रदान जितना अच्छा होगा, आपके बृहस्पति उतने अच्छे होंगे, और नतीजतन क्या होगा, आपके धन की बरकत होगी, धन के आने के नए रास्ते खुलेंगे और जीवन में बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। अब इसी उल्टे क्रम में चलते हुए मन पे आते हैं। मन के कारक चंद्रमा और मन को स्टेबल रखने का कारक बुध करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के भी कारक हैं। अब ये जो चंद्रमा है, ये खराब होते हैं केतु की वजह से। सबसे बड़े दुश्मन नंबर दो आ गए केतु। केतु कैसे खराब होते हैं? केतु जब भी खराब होंगे ना, चंद्रमा को पीड़ित करेंगे ही, और चंद्रमा पीड़ित होंगे, डिप्रेशन देंगे, एंग्जाइटी देंगे, या इंसान गलत फैसलों का शिकार होता चला जाएगा। और बुध खराब होने पे फैसले भी गलत होते हैं, इंसान जो है लोगों से संबंध भी अच्छे नहीं बना पाता है, और जहां पे इंसान अपनी स्किल्स को पैसे में कन्वर्ट कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। लोगों को सलाह देने में नंबर वन, लेकिन उसी सलाह को खुद के लिए पैसे में कन्वर्ट करने में फिसड्डी साबित हो जाता है। तो आपके मन को कैसे सही रखा जाए, केतु को कैसे सही रखा जाए? अगर आपको लगता है कि मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है, तो भाई दोनों पैरों के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहन दीजिए। घर के फर्श को हमेशा साफ सुथरा रखिए, दरार विहीन रखिए। विशेष तौर पे घर के जो दरवाजे कब्जे वगैरह होते हैं वो एकदम से सही रहे, दरवाजे जमीन से लग के ना खुले, कब्जों से चर चर की आवाज ना आए। घर की जो टैप्स हैं ये न टपकती रहें, घर के जो पानी के जोड़ हैं वो सही रहे, पानी की टंकी सही रहे। इसके अलावा आपको केतु का बहुत जबरदस्त उपाय देने जा रहा हूं कि जब भी विंटर सीजन आए, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल जो है जरूरतमंदों को बांटते रहिए, हमेशा आपके केतु आप पे कृपा बनाए रखेंगे। और जब केतु सही होंगे ना, चंद्रमा अपने आप बलवान हो जाएंगे। विशेष तौर पर अपने मदर के हाथ से चांदी का एक कॉइन लेके अपने धन स्थान पर रख लीजिए, आपका चंद्रमा जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और इससे ना केवल धन कृपा भी आएगी बल्कि मन एकदम से सही रहेगा। और रही बात बुध की,
चांदी का एक बिना जोड़ का छल्ला लेके उसको अमावस वाले दिन महालक्ष्मी का पूजन करके अपने दाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहन लीजिएगा। आपके बुध भी आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। अब इसी उल्टे क्रम में चलते हो तन पे आते हैं। कहते हैं ना, एक सेहत सही हो तो जीवन में 100 नियामतें मिल जाती हैं। अब सेहत को सही रखने में कौन से प्लैनेट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं? अब सेहत का मामला ऐसा है कि जिसमें हर प्लैनेट अपना अपना योगदान देता है। सूर्य अच्छे होंगे तो इम्यूनिटी होगी, चंद्रमा अच्छे होंगे तो इंसान का थॉट प्रोसेस या एंग्जाइटी नहीं होगी। एक स्ट्रेस भी तो 20 बीमारियों को जन्म देता है। आपके मंगल अच्छे होंगे तो ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन सही रहेगी और उसकी वजह से भी जीवन में कृपा आती रहेगी। आपके बुध अच्छे रहेंगे तो नसें सही रहेंगी, गुरु अच्छे रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म और लीवर भी सही रहेगा, शुक्र अच्छे रहेंगे त्वचा भी सही रहेगी और इंसान जो है एक बहुत अच्छी लुक्स का मालिक भी रहेगा। शनि अच्छे रहेंगे तो ओवरऑल इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ढांचा के बोलते हैं वो सही रहेगा, जोड़ भी सही रहेंगे। जोड़ों की बात चलिए तो केतु जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी जोड़ों को इंडिकेट करते हैं। और राहु सही रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आएगी ना वो डायग्नोज हो जाएगी। राहु सही रहेंगे तो न्यूरल सिस्टम जो है दिमाग का वो भी सही रहेगा। इस तरह से हर ग्रह आपने देखा कि आपके शरीर में किसी ना किसी चीज़ को लेकर अपना योगदान दे रहा है। अब सेहत खराब कैसे होती है? जब सूर्य कमजोर होते हैं तो इम्यूनिटी वीक, हर चेंजिंग सीजन में इंसान बीमार। तो अब जैसा मैंने आपको बताया, आपकी सेहत में जो भी दिक्कत आ रही है ये किसी ना किसी प्लेनेट की खराबी की वजह से आती है। अब कौन सी ऐसी ताकत है, तीसरा कौन सा ऐसा दुश्मन है जो हमेशा आपकी सेहत को खराब करके रखता है? इनमें से सबसे पहला दुश्मन है आपकी कुंडली में ग्रहण दोष का होना, चंद्र केतु एक साथ होना या सूरज राहु का एक साथ होना, ये सेहत को बहुत हद तक डामाडोल करता है। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो बात आ जाती है ना सेहत खराब होने में, ये होती है आपके मंगल का खराब होना। मंगल बहुत खराब हो जाए ना तो कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां भी देता है, और मंगल खराब हो जाए तो इंसान के जीवन में एक प्रॉब्लम ठीक होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी आ जाती है। मंगल अच्छे होते हैं ना तो ये राहु को भी कंट्रोल करते हैं, और राहु जब अच्छा होता है तो प्रॉब्लम डायग्नोज भी होती है, सही भी होती है। तो अपने मंगल को सही रखिए। मंगल को सही रखने के लिए कहते हैं मीठा खाएं और खिलाएं। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन मीठा खाने वाली है तो हर मंगलवार को आप एक काम करिए, बेसन की बर्फी का प्रसाद लीजिए, इसको हनुमान जी को चढ़ा के खुद भी खाइए, लोगों में भी बांटिए। ये जो उपाय है ना आपके मंगल को भी चुस्त दुरुस्त रखेगा और आपके जीवन में आपकी हेल्थ को भी एकदम से सही रखेगा। और दूसरे, एक नीम का पौधा हर साल में एक बार किसी भी जमीन में लगाते रहिए, इससे भी आपके मंगल हमेशा आपके कंट्रोल में रहते हैं। तो दोस्तों, तन मन धन इनको बचाने के लिए जो जो आपके मेन दुश्मन है इनको सही रखेंगे तो जीवन में धन भी आता रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और मन से ही सारी खुशियां उपजती हैं, और साथ में सेहत जो सबसे जरूरी है वो भी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके खूब काम आने जा रही है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।